सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं गार्डन की। आज है सोलर इक्लिप्स और हम सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑनलाइन इसके रिलेटेड चीजें भी हमने ऑर्डर की थी अमेज़न से। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। लेट मी सेट माय कैमरा। ये कुछ हमने ग्लासेस ऑर्डर किए थे, पूरा पैक आ गया। ये मेरा हाल है, इसमें फोर हैं, टोटल फोर ग्लासेस हैं। सन को देखने के लिए ग्लासेस का लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको पता है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये हमने लेंस मंगवाए थे, जो कि अगर हमने कोई फ़ोटो या कोई वीडियो बनानी होगी अपने मोबाइल से, तो मोबाइल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उसको फ़िल्टर लेंस लगाया जाए। तो ये फ़ोटो फिल्टर हमने मंगवाया था, इसमें भी दो हैं इस पैकेट में। तो ये सारी हमने शॉपिंग की है ऑनलाइन 1 week बिफोर। और अभी मैं बाहर जाके देख रही हूँ कि क्या सिचुएशन है। अभी तो सन की कंप्लीट लाइट है और टाइम बहुत कम रह गया है इक्लिप्स स्टार्ट होने में, ऑलमोस्ट 1 hour इज लेफ्ट। ये हमारा आउटडोर ग्रिल है, कल लेके आए हैं हम, इस पर ईद पर बारबेक्यू बनाएंगे। फिलहाल तो इसको मैंने डोली के ऊपर रखा है और अब हम इसे बैकयार्ड में लेके जा रहे हैं। अभी इक्लिप्स में थोड़ा सा टाइम है, तो इसको हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि इतनी देर में इसको असेंबल कर लें। ग्रिल की मुंह दिखाई हो रही है। ये भी नूरा ने तो क्लासेस लगा दी हैं। वैसे टाइम कितना रह गया? 1 minute 54 हो गए। ये हमने अपना कैमरा ट्राइपॉड पे सेट कर लिया। नजर नहीं आ रहा आपको? है ना? थोड़ा सा है ना? अभी ये पूरा आता जाएगा। पूरा बंद हो जाएगा। This was my first experience of total solar eclipse. ये start 1:55 PM पर हुआ है और इसकी totality around 3:06 होगी और इसका end time जो है वो 4:30 announce हुआ है। लेकिन ये बहुत ही perfect time जो announce किया गया था उसी पे start हुआ है। कुछ नहीं गड़बड़ कर रही, मैं इसकी video बना रही हूँ। कैसे बन रही है? This is perfectly all right. And here look at the sky. और भी देखो आवाज आती चली जा रही है। रूटीन में तो कभी इतने नहीं आए ना सामने जहाज। अब देखो रोशनी कम हो रही है धीरे धीरे। हाँ, तारे दिखाई देंगे यहाँ पर, तुम देखना। रियली? हाँ तारे दिखाई देंगे। ना दिखाई दें तो क्या पैसे वापस। ताज्जुब है कि इतना जरा सा चांद वो सूर्य बचा हुआ है। हाँ। फिर भी देखो धूप है। हाँ। जरा से इतने से उसमें से आ रही है। इतने से में आ रही है। 3:06 का टाइम होने वाला है और बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी अभी। इसकी वजह से बर्ड्स की भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है। हाँ, आप देखो इसका फोटो लो। मैं वीडियो बना रही हूँ जरा, और ये सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं गार्डन की। देखो तारे दिखाई आ रहे आगे में दिखाए। वैसे जो इस चश्मा लगा के इसमें आता है ना व्यू, वो वीडियो में नहीं आ रहा उस तरह से एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल रात हो गई है और इस टाइम अभी हो रहा है दिन के 3:10। आज तो हमने अपना आउटडोर ग्रिल भी असेंबल करके लगा लिया, तो मुझे लगता है कि बारबेक्यू अभी किया जा सकता है। बिल्कुल डार्क हो चुका है। ये क्लिप मेरे नेफ्यू ने मुझसे शेयर किया है, वहाँ पर हाफ इक्लिप्स है। मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर।
आज के क्लिप्स की स्पेशल बात ये थी कि इट वॉज विजिबल टू मिलियंस ऑफ पीपल इन नॉर्थ अमेरिका, और ये टोटल सोलर इक्लिप्स था, स्पेशली इन ओहायो और कुछ दूसरी स्टेट्स में भी अमेरिका की. तो यहाँ ओहायो में तो बिल्कुल होटल्स की बुकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, कोई रूम अवेलेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा रश था. सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा है और आपके साथ भी मैंने शेयर किया. अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Take care. Allah Hafiz.